हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और इस वीडियो हम सीखने जा रहे हैं यूजर्स एंड ग्रुप्स मैनेजमेंट इन रेड हैट लिनक्स 7। यह इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो हम सीखेंगे यूजर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, यूजर के टाइप्स कितने होते हैं, यूजर की मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन कौन सी होती है, किस फाइल में कौन सी इंफॉर्मेशन एड होती है और उन फाइल में जो फील्ड होते हैं, अलग अलग फील्ड यूज होते हैं, उन फील्ड का यूज क्या है, इन हम बारीकी से इस वीडियो हम सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यूजर क्रिएट करना, यूजर को मॉडिफाई कैसे करते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इसमें हम यूजर एंड ग्रुप्स मैनेजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। सबसे पहले बात करते हैं यूजर क्या होता है। तो यूजर एक ऑब्जेक्ट होता है जो कंप्यूटर के रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है विद सम स्पेसिफिक प्रिविलेज। हर एक यूजर का एक यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिससे वो यूजर पहचाना जाता है और उस नंबर को यूजर आईडी बोला जाता है, शॉर्ट में इसे यूआईडी बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप की। तो ग्रुप इज ए कलेक्शन of those users who has the same privilege on a specific resource। यानी बात करें ग्रुप की बात करें तो ग्रुप उन यूजर्स का कलेक्शन है जिन्हें किसी एक स्पेसिफिक रिसोर्स पर सेम प्रिविलाइज होता है, सेम राइट होता है, सेम परमिशंस होता है। जिस प्रकार यूजर का एक यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसी प्रकार ग्रुप का भी एक यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसे ग्रुप आईडी बोला जाता है, शॉर्ट में जिसे जीआईडी बोला जाता है। तो ये थी यूजर एंड ग्रुप्स की डेफिनेशंस। उसके बाद बात करते हैं यूजर के टाइप्स कितने होते हैं। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में तीन तरह के यूजर यूज होते हैं। सबसे पहला सुपर यूजर और रूट यूजर, सेकेंड है सिस्टम यूजर्स, थर्ड है नॉर्मल यूजर्स। सबसे पहले बात करते हैं सुपर यूजर क्या होता है या फिर रूट यूजर क्या होता है। सुपर यूजर बोल सकते हैं हम इसे और रूट यूजर भी बोल सकते हैं। जिस प्रकार विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसी प्रकार लिनक्स में रूट यूजर यूज होता है। रूट यूजर सबसे पावरफुल यूजर अकाउंट होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर भी बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं सिस्टम यूजर्स। सिस्टम यूजर्स वो यूजर होते हैं जो किसी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपाची सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो अपाची सर्वर एक यूजर अकाउंट क्रिएट करता है जिसका नाम होता है अपाची। तो इस तरह के जो यूजर्स हैं वो सिस्टम यूजर्स कहलाते हैं। बाई डिफॉल्ट यूजर मैनेजर सिस्टम यूजर को डिस्प्ले नहीं करता है। उसके बाद बात करते हैं नॉर्मल यूजर्स की। तो नॉर्मल यूजर्स वो यूजर होते हैं जो रूट यूजर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। दे आर नॉर्मल यूजर्स लाइक जॉन, राजेश, ईटीसी। केवल रूट यूजर के पास में ये राइट होता है कि वो यूजर को एड कर सकें और रिमूव कर सकें। नॉर्मल यूजर किसी भी यूजर को ऐड और रिमूव नहीं कर सकता। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप रूट यूजर से लॉगिन करेंगे तब हैश सिंबल यूज होता है। हैश सिंबल यूज हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है या फिर यूज हो रहा है, मतलब आप रूट यूजर से लॉगिन है या फिर सुपर यूजर से लॉगिन है। डॉलर अगर वहां पर डिस्प्ले हो रहा है तो इसका मतलब आप एक नॉर्मल यूजर से लॉगिन है। ये थी यूजर टाइप्स। उसके बाद बात करते हैं यूआईडी, यूजर्स की यूआईडी। तो यूआईडी में रेड हैट लिनक्स 7 में थोड़ा चेंज हुआ है रेड हैट लिनक्स 6 और 5 से। रूट यूजर की यूआईडी रेड हैट लिनक्स 6 और ओल्डर ओएस में 0 थी, वो ओरिजिनल थी, और आर्चर 7 में भी 0 है। रूट यूजर की यूआईडी में कोई चेंज नहीं हुआ है। सिस्टम यूजर्स की यूआईडी में चेंज हुआ है आरचेल 7 में।
आरचल 7 से पहले जितने पहले के जितने भी ओएस थे उनमें सिस्टम यूजर की यूआईडी फिक्स थी 1 से लेकर के 499 तक। इसे आरएचईएल 7 में चेंज कर दिया। आरचल 7 में सिस्टम यूजर्स की यूआईडी 1 से लेकर के 999 तक रिजर्व है। नॉर्मल यूजर्स की बात करें तो रेड हैट लिनक्स 6 या उससे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में जब भी आप कोई नया नॉर्मल यूजर क्रिएट करते हैं, फर्स्ट नॉर्मल यूजर क्रिएट करते हैं, तब उसका यूआईडी 500 से स्टार्ट होता था। यानी जो पहला नॉर्मल यूजर आप क्रिएट करते हैं उसको 500 यूआईडी असाइन होता है, जबकि आरचल 7 में नॉर्मल यूजर का यूआईडी 1000 से स्टार्ट होता है। जैसे आप कोई पहला नॉर्मल यूजर क्रिएट करेंगे तो उसको 1000 यूआईडी असाइन होगा। ये थोड़ा यहाँ पर चेंज हुआ है। ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब आप आरचल 7 से पुराने ओएस के यूजर्स को आरचल 7 में माइग्रेट करेंगे, तब यूआईडी का प्रॉब्लम अकर होगा। ठीक है, जब आप माइग्रेट यूजर को माइग्रेट करेंगे, द रेंज ऑफ यूआईडी मिनिमम एंड जीआईडी मिनिमम इज स्पेसिफाइड इन /etc/login.defs फाइल। आप यहां से यूआईडी मिनिमम और जीआईडी मिनिमम को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यूजर की मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन कौन सी होती हैं। तो यूजर की चार मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, /etc/passwd फाइल, जिसमें यूजर अकाउंट इंफॉर्मेशन होती है, यूजर की लॉगिन इंफॉर्मेशन इस फाइल में स्टोर होती है /etc/passwd फाइल में, /etc/shadow फाइल, इसमें सिक्योर यूजर अकाउंट इंफॉर्मेशन एंड एगिंग पॉलिसी स्टोर होती है, यानी यूजर के पासवर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन /etc/shadow फाइल में स्टोर होती है, /etc/group, इसमें ग्रुप अकाउंट इंफॉर्मेशन होती है, यानी जब भी आप कोई नया यूजर क्रिएट करते हैं तो साथ में उसका एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है, तो उस ग्रुप की डिटेल /etc/group फाइल में स्टोर होती है, /etc/gshadow फाइल, इसमें सिक्योर ग्रुप अकाउंट इंफॉर्मेशन होती है। जिस प्रकार यूजर के पासवर्ड की इंफॉर्मेशन /etc/shadow फाइल में होती है, उसी प्रकार ग्रुप के पासवर्ड की इंफॉर्मेशन /etc/gshadow फाइल में स्टोर होती है। और /etc/shadow फाइल में यूजर का जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर होता है, और /etc/gshadow फाइल में भी ग्रुप का पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर होता है। वन बाय वन इन फाइल के फील्ड की डिटेल को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं /etc/passwd फाइल। ईच लाइन इन द फाइल कंटेन्स द लॉगिन इंफॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल यूजर, यानी /etc/passwd फाइल में हर एक लाइन एक सिंगल यूजर की लॉगिन इंफॉर्मेशन को कंटेन्स करती है, और वो लाइन इस प्रकार होती है। इसमें हर एक फील्ड कॉलन से सेपरेट होता है। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे रूट लिखा हुआ है। रूट उस यूजर का यूजर नेम है, उस यूजर अकाउंट का यूजर नेम है। एक्स लिखा हुआ है, ये प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर फॉर पासवर्ड इंफॉर्मेशन, ये पासवर्ड इंफॉर्मेशन का प्लेस होल्डर है, और यूजर का पासवर्ड /etc/shadow फाइल में स्टोर होता है इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। उसके बाद जीरो, जीरो यूजर का यूआईडी कहलाता है। यूआईडी क्या होता है हमने पहले से समझ लिया है। ईच यूजर हैज अ यूनिक आईडी दैट आइडेंटिफाइज देम ऑन द सिस्टम। द रूट यूजर इज ऑलवेज रेफरेंस्ड बाय
बाय यूजर आईडी 0, यानी रूट यूजर हमेशा 0 से रेफरेंस किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट 0, ये ग्रुप आईडी है, ये उस यूजर के ग्रुप की आईडी है। उसके बाद रूट लिखा हो रहा फिर से, तो ये जो रूट लिखा रहा है ये कमेंट फील्ड है। कमेंट फील्ड का यूज क्या है कि आप यूजर के बारे में कोई डिटेल ऐड कर सकते हैं कि यूजर किस लिए बनाया गया है, उसके फंक्शंस क्या हैं, यानी यूजर के बारे में आपको कोई डिटेल चाहिए तो आप इस फील्ड में ऐड कर सकते हैं कमेंट फील्ड में। कमेंट फील्ड, दिस फील्ड कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द यूजर्स यूजर और यूजर्स फंक्शन। दिस कैन बी एनीथिंग फ्रॉम कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द यूजर टू डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्विस द अकाउंट वॉज मेड फॉर, यानी यूजर का अकाउंट, ये यूजर अकाउंट किस लिए बना है, उसके फंक्शंस क्या है, उसकी डिटेल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कमेंट फील्ड में। जो पांचवा फील्ड है ये कमेंट फील्ड कहलाता है, उसमें यूजर को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि यूजर इसलिए बनाया गया है, इसके फंक्शंस ये हैं, ये ऐसी डिटेल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद स्लैश रूट, ये यूजर की होम डायरेक्टरी है। रूट यूजर की होम डायरेक्टरी स्लैश रूट होती है, और जो आप नॉर्मल यूजर होते हैं उनकी होम डायरेक्टरी स्लैश होम में क्रिएट होती है। जैसे आप अजय नाम का कोई यूजर क्रिएट करते हैं तो उस यूजर की एक होम डायरेक्टरी क्रिएट होगी स्लैश होम में, स्लैश होम स्लैश अजय, ये उस यूजर की नॉर्मल यूजर की होम डायरेक्टरी होगी। रूट यूजर की होम डायरेक्टरी हमेशा स्लैश रूट होती है। उसके बाद स्लैश बिन बैश, ये डिफॉल्ट लॉगिन सेल होती है यूजर की, इसमें कुछ कमांड्स कंटेन होते हैं जो जब यूजर लॉगिन करता है तब ये रन होते हैं। ये थी स्लैश etc स्लैश पास्ट अपडेट फाइल की इंफॉर्मेशन। उसी प्रकार हम स्लैश etc स्लैश शेडो फाइल की इंफॉर्मेशन को चेक कर लेते हैं, इसकी भी हम डिटेल चेक कर लेते हैं। पहले आपको एक डेमो बताता हूं। get slash etc slash pastwd file, इसको फिल्टर कर देते हैं इसका आउटपुट को ग्रेप कमांड की सहायता से, और मैं विशु इस यूजर की डिटेल को चेक करता हूं। तो देख लीजिए विशु यूजर नेम है, x प्लेस होल्डर है पासवर्ड की, 1008 इसकी यूआईडी है, और 1011 इस ग्रुप आईडी है, और कमेंट फील्ड में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है। स्लैश होम स्लैश विष्णु विशु इसके होम डायरेक्टरी है, और स्लैश बिन बैश इसकी डिफॉल्ट लॉगिन सेल है। उसके बाद स्लैश etc स्लैश शेडो फाइल, जैसा हमने पहले हम बात कर चुके हैं कि स्लैश etc स्लैश शेडो फाइल में यूजर के पासवर्ड, यूजर का पासवर्ड स्टोर होता है इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। उसके साथ यूजर के पासवर्ड की एडिशनल डिटेल भी ऐड होती है इस फाइल में कि यूजर का पासवर्ड कितने दिन के लिए वैलिड है, पासवर्ड कब एक्सपायर होगा, लास्ट टाइम पासवर्ड कब चेंज किया, ये सारी इंफॉर्मेशन स्लैश etc स्लैश शेडो फाइल में स्टोर होती है। जैसे स्लैश etc स्लैश pastwd फाइल में हर एक फील्ड कॉलन से सेपरेट होता था, उसी प्रकार इस फाइल में भी हर एक फील्ड कॉलन से सेपरेट होता है, और इसमें भी एक लाइन में एक यूजर की इंफॉर्मेशन ऐड होती है। जैसे स्लैश etc स्लैश pastwd फाइल में स्टोर होती थी, तो इस फाइल की जो डिटेल है वो इस प्रकार ऐड होती है। इसमें सबसे पहला रूट लिखा हुआ आ रहा है, ये उस यूजर अकाउंट का यूजर नेम है, लॉगिन नेम है जिससे वो लॉगिन करता है। सेकंड फील्ड है यूजर का पासवर्ड, ये यूजर का पासवर्ड है इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। थर्ड फील्ड है 14757, ये फील्ड बता रहा है कि लास्ट पासवर्ड कब चेंज हुआ, यानी आज अगर आप पासवर्ड चेंज करते हैं तो ये इस डेट से काउंट करेगा
कि टोटल कितने दिन हुए उस पासवर्ड को चेंज किए हुए, वो टोटल डेज आपको यहाँ पर शो करेगा। तो कैसे शो करता है वो देख लीजिए, काउंट कैसे करता है ये, जैसे आज के डेट है 16/10/2016 और हम डेट सेलेक्ट करते हैं, एक जनवरी, और जनवरी ओके सेट। तो ये बता रहा है कि टोटल डेज कितना हुए इस डेट से और इस डेट के बीच में, 17,090 टोटल डेज। तो ये बता रहा 14,757 उस डेट से जब ये पासवर्ड चेंज हुआ, उस दिन को जिस दिन ये पासवर्ड चेंज हुआ उस दिन के बीच में इतने दिन हुए, ये बता रहा है। इस तरह ये काउंट करता है, जैसे आज की जो डेट है उस डेट से और 1 जनवरी 1970 के बीच में टोटल जो डेज हैं वो इतने हैं 17,090। तो जैसे हम यहाँ पर समझ लेते हैं, पहले इस यूजर की डिटेल को चेक कर लेते हैं, cat /etc/shadow file ग्रेप विश्व। तो इसका कोई पासवर्ड सेट नहीं है और यहाँ पर बता रहा 17,090 यानी आज इसका पासवर्ड चेंज हुआ है। तो इसका फिर से मैं पासवर्ड चेंज कर देता हूँ, passwd विश्व न्यू पासवर्ड 1 हो गया। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए 17,090 ये बता रहा है कि इसका पासवर्ड कब चेंज हुआ है, और कोई पुराना यूजर हो तो वो चेक कर लेते हैं। जैसे इसका पासवर्ड जब चेंज हुआ था तब इतने दिन हुए थे 17,068 डेज, इसका पासवर्ड आज चेंज कर देते हैं, पास वैभव यूजर का passwd वैभव 1 1। तो देख लीजिए अब कितना आ रहा है 17,090 जबकि पहले कितना आ रहा था 17,068। तो ये उस डेट से 1 जनवरी 1970 से आज की डेट के बीच में टोटल डेज काउंट करके यहाँ पे डिस्प्ले करेगा कि इतने दिन हो गए इसको उस डेट से, इतने दिन हो गए इसको पासवर्ड चेंज किए, 1 जनवरी 1970 से इतने दिन हुए इसको पासवर्ड चेंज किए हुए। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि 14,757 क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे जीरो लिखा हुआ आ रहा है फोर्थ फील्ड, तो ये जीरो बताता है दिस फील्ड डिनोट्स द मिनिमम नंबर ऑफ डेज आफ्टर विच ए यूजर कैन चेंज हिज पासवर्ड। जीरो लिखा आ रहा है, ये फील्ड शो करता है कि इतने दिन के बाद में यूजर अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। जैसे अगर यहाँ पे 5 दिन लिखा हुआ था, 5 लिखा हुआ था, तो यूजर अपना पासवर्ड 5 दिन के बाद में चेंज कर सकता है। अगर यहाँ पे 0 लिखा आ रहा है मतलब यूजर अपना पासवर्ड कभी भी चेंज कर सकता है। 0 इंडिकेट्स इट मे बी चेंज एट एनी टाइम,
यानी कभी भी चेंज हो सकता है। उसके बाद में 5x9 लिखा हुआ रहा है, ये शो करता है कि यूजर का जो पासवर्ड है कितने दिन के लिए वैलिड रहेगा। इतने दिन के बाद में, जैसे यहां पर अगर 10 लिखा हुआ था तो 10 दिन के लिए उस यूजर का पासवर्ड वैलिड रहेगा। 10 दिन के बाद में यूजर को अपना पासवर्ड चेंज करना ही पड़ेगा, चाहे उसकी इच्छा हो चाहे ना हो। उसके बाद वार्निंग थ्रेशोल्ड 7 ये शो करता है, जैसे किसी यूजर का पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है तो जिस डेट को यूजर का पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है उस डेट से 7 दिन पहले यूजर को एक वार्निंग मैसेज आ जाएगा कि आपका पासवर्ड इस दिन को एक्सपायर या फिर इतने दिन के बाद में एक्सपायर होने वाला है, तो आप उसको चेंज कर लें। इस तरह का एक वार्निंग मैसेज आएगा, इसे वार्निंग थ्रेशोल्ड भी बोला जाता है। ये साथ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, बाय डिफॉल्ट 7 होता है, इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद इनएक्टिव, ये फील्ड शो करता है, जैसे हम यूजर का एक्सपायरी डेट सेट करते हैं उसी प्रकार हम यूजर का पासवर्ड एक्सपायरी डेट भी हम सेट कर सकते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो अगर आपने यूजर का पासवर्ड एक्सपायरी डेट सेट कर दिया, जैसे आपने सेट कर दिया है किसी भी यूजर का पासवर्ड एक्सपायरी डेट 10 डेज, ठीक है, तो 10 डेज के बाद में उस यूजर का पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा, तो यूजर का पासवर्ड एक्सपायर होते ही यूजर अकाउंट डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो 10 वैल्यू शो होगी, ये शो करती है कि कितने दिन के बाद में यूजर अकाउंट डिसेबल हो जाएगा, यानी वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन ये शो करती है कि इतने दिन के बाद में यूजर का पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। तो यूजर का जैसे पासवर्ड जैसे एक्सपायर होगा तो यूजर अकाउंट भी क्या होगा, डिसेबल हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह बोल सकते हैं कि इतने दिन के बाद में यूजर अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। और उसके बाद में जो सबसे लास्ट फील्ड है वो ये शो करती है कि ये यूजर अकाउंट कितने दिन से डिसेबल है, और वो जो दिन काउंट करेगा वो यहां से इस डेट से काउंट करेगा, जैसे हमने यहां पर काउंट किया था, जैसे ये शो कर रहा है, ये यूजर का लॉगिन नेम, ये यूजर का पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, ये बता रहा है इसका लास्ट पासवर्ड कब चेंज हुआ, दो बता रहा है मिनिमम कितने दिन के बाद में पासवर्ड चेंज कर सकता है, ये वैलिड पासवर्ड कितने दिन के लिए उसका पासवर्ड वैलिड रहेगा, 7 वार्निंग थ्रेशोल्ड, 1 बता रहा है कि उसका अकाउंट कब डिसेबल होगा या उसका यूजर का जो पासवर्ड है कब एक्सपायर होगा, कितने दिन के बाद में एक्सपायर होने वाला है, और 17069 बता रहा है कि इतने दिन से पासवर्ड या अकाउंट यूजर अकाउंट डिसेबल है। ये जो दिन काउंट किए इसने, ये 1 जनवरी 1970 से, और जिस दिन को ये पासवर्ड जिस दिन से ये यूजर डिसेबल हुआ है उस दिन उस डेट को बीच काउंट किया है इसने, यानी 1 जनवरी 1970 से जिस दिन को ये पासवर्ड जिस डेट को ये पासवर्ड एक्सपायर हुआ है इस यूजर का, ये यूजर डिसेबल हुआ है उस डेट के दोनों के बीच में काउंट करके जितने दिन आए वो इसने वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है कि इतने दिनों से ये पासवर्ड ये यूजर इतने दिनों से ये यूजर अकाउंट डिसेबल्ड है। यहां पर देखिए 42 बता रहा है, तो 42 डेज के बाद में इस यूजर का पासवर्ड डिसेबल हो जाएगा, और जैसे एक्सपायर हो जाएगा, और जैसे पासवर्ड एक्सपायर होगा तो ये यूजर अकाउंट भी डिसेबल हो जाएगा। तो ये थी /etc/shadow फाइल की इंफॉर्मेशन। उसके बाद बात करते हैं /etc/group फाइल की, इसमें ग्रुप की इंफॉर्मेशन होती है, इसमें हर एक फील्ड
कॉलन से सेपरेट होता है और एक लाइन में एक ग्रुप की इंफॉर्मेशन ऐड होती है। सबसे पहले बाय ग्रुप्स हो रहा है, ये ग्रुप का नाम है। एक्स जैसे /past_obb फाइल में एक्स स्टोर हो रहा था वैसे इसमें भी स्टोर है। एक्स यहाँ पे ग्रुप का ये प्लेस होल्डर है ग्रुप पासवर्ड के लिए। अगर ये पासवर्ड सेट है तो ये अलाउ करता है, इफ सेट दिस अलाउ यूजर डेट आर नॉट पार्ट ऑफ ग्रुप टू ज्वाइन द ग्रुप बाय यूजिंग न्यू ग्रुप कमांड। ठीक है, अगर पासवर्ड सेट ग्रुप का तो जो यूजर्स इस ग्रुप के मेंबर नहीं है वो न्यू ग्रुप न्यू जीआरपी कमांड की सहायता से इस ग्रुप में इस ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं, इस ग्रुप में लॉगिन कर सकते हैं अगर पासवर्ड सेट है इस ग्रुप में। तो अगर किसी ग्रुप पे पासवर्ड सेट है और कोई ऐसा यूजर जो इस ग्रुप का मेंबर नहीं है वो न्यू जीआरपी कमांड की सहायता से इस ग्रुप में लॉगिन कर सकता है। उसके बाद 1000 ये ग्रुप का ग्रुप आईडी है और उसके बाद अजय विजय राजेश ये मेंबर लिस्ट है, यानी ये तीनों यूजर इस ग्रुप के मेंबर हैं। यानी इस ग्रुप का अगर आप कोई भी परमिशन अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली वो इन यूजर्स पे भी अप्लाई होगी। ठीक है, ये तीनों यूजर मेंबर लिस्ट कहलाती है या फिर ये तीनों यूजर इस ग्रुप के मेंबर हैं। ये थी /etc/group फाइल की इंफॉर्मेशन। उसके बाद /etc/gshadow फाइल की इंफॉर्मेशन हम चेक कर लेते हैं। इसमें भी सेम है, हर एक फील्ड की इंफॉर्मेशन हर एक फील्ड कॉलन से सेपरेट होता है और एक लाइन में एक ग्रुप की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। सबसे पहले एडमिन लिखा रहा है, ये ग्रुप का नाम है और यहाँ पर ग्रुप का पासवर्ड स्टोर होता है। अभी यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, मतलब एडमिन नाम के ग्रुप पर कोई पासवर्ड सेट नहीं है। ठीक है, अगर पासवर्ड सेट होता तो यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा था पासवर्ड, उसी तरह यहाँ पर डिस्प्ले होता। फिर माई सॉल्यूशंस बता रहा है ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर, यानी इस ग्रुप को कौन मैनेज कर सकता है, कौन मैनेज कर रहा है, माय सॉल्यूशंस, यानी ये माय सॉल्यूशंस एडमिन नाम के ग्रुप का ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी इस ग्रुप को मैनेज कौन करेगा, माय सॉल्यूशंस। और उसके बाद अजय विजय कौन है, इस ग्रुप के मेंबर हैं, अजय और विजय इस ग्रुप के मेंबर हैं। माय सॉल्यूशंस इस ग्रुप का एडमिनिस्ट्रेटर है जो इस ग्रुप को मैनेज करता है। ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है कि वो ग्रुप वो यूजर वो एडमिनिस्ट्रेटर इस ग्रुप में से किसी भी यूजर को रिमूव कर सकता है, किसी भी यूजर को ऐड कर सकता है। अगर आप ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर चेंज करना चाहते हैं तो /gpassobb कमांड की सहायता से आप ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी इस समय एडमिन नाम के ग्रुप का ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर माय सॉल्यूशंस नाम का यूजर है। तो ये हम इस वीडियो हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले यूजर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, उसके बाद यूजर के टाइप्स हमने सीखे कि यूजर के टाइप कितने होते हैं, उसके बाद यूजर आईडी के बारे में पढ़ा, उसके बाद में यूजर की मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के बारे में हमने सीखा कि किस फाइल में किस तरह की इंफॉर्मेशन ऐड होती है, और उसके बारे में और उसके बाद हर एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल का हमने डिटेल में चेक किया और उसमें जो फील्ड होते हैं उन फील्ड को बारीकी से हमने सीखा कि किस फील्ड का क्या यूज है, कौन सा फील्ड किस तरह की इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। सभी फाइल का हमने इस तरह चेक किया और सभी की इंफॉर्मेशन हमने चेक की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो हम यूजर क्रिएट करना सीखेंगे।